गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीपीक्यू के अंतर्गत कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखेंगे जो 4 नंबर के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड क्राइम। तो इसका आंसर होगा, बहुत से बच्चे और किशोर छोटे छोटे अपराध करते हैं, जैसे चोरी या गलियों में लड़ाई। फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो निरंतर यानी रेगुलर ऐसे ही ढंग से कार्य करते हैं, अन्य व्यक्तियों या उनकी संपत्ति को हानि पहुंचता है। वे आचरण मनोविकृति वाले व्यक्ति हैं। इनके अंतर्गत बहुत प्रकार के व्यवहार संरूप जैसे आक्रामकता, अवज्ञा मतलब बात नहीं मानना, विद्रोह, वाचिक विद्रोह, झूठ बोलना, तोड़ फोड़ करना, चोरी करना, कम आयु में नशीले पदार्थों का सेवन करना आदि शामिल है। ऐसे व्यवहार के विकास में विक्षुब्ध पारिवारिक संबंध यानी परिवार में अच्छा वातावरण नहीं होना समेत कई आनुवांशिक और विकासात्मक कारकों की भूमिका होती है। बड़े बच्चे प्रायः पुलिस और कानून के रखवालों के साथ मुठभेड़ में पड़ जाते हैं और यदि उनका दोष सिद्ध हो जाता है तो उन्हें रिमांड होम या सुधारात्मक गृह में भेज दिया जाता है। बाल अपराध के अनेक कारण हैं जिनमें दोषपूर्ण द्वितीयक समाजीकरण, निराशा, कुंठा, दोषपूर्ण राजनीति आदि मुख्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोबिया के कारणों का उल्लेख करें, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ फोबिया। तो इसका उत्तर होगा, फोबिया के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, कंडीशन रिफ्लेक्स यानी संबंध प्रत्यावर्तन। फोबिया का सबसे महत्वपूर्ण कारण संबंध प्रत्यावर्तन है। यदि व्यक्ति को बचपन में ही कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े जिससे वह काफ़ी भयभीत हो गया हो तो उसमें इस प्रबल संभावना रहती है, जैसे कोई बच्चा यदि ऊंचे छत से गिर गया हो या कभी पानी में डूबते डूबते बचा हो तो उसमें फोबिया के लक्षण विकसित हो जाते हैं। सेकेंड, चिंता का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंजाइटी। इसमें व्यक्ति मूल विषय के प्रति चिंता नहीं करके स्थान पर दूसरी वस्तुओं के प्रति चिंता करने लगता है। यह एक प्रकार का रक्षात्मक मनोवृत्ति है। तीसरा, प्रतीकीकरण, सिंबलाइजेशन। व्यक्ति अचेतन चिंता को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने में ईगो की वास्तविकता का आभास नहीं होता है और वह अवमूल्यन से बच जाता है। चौथा, खतरनाक आवेगों के प्रति सुरक्षा। इसमें व्यक्ति समझता है कि दमित आवेग उसे खतरनाक स्थिति में ला सकते हैं, अतः इनसे बचने के लिए वह एक फोबिया की प्रतिक्रिया को सहारे के रूप में ग्रहण कर लेता है। इसमें व्यक्ति की चिंता विस्थापित हो जाती है और उसमें फोबिया के लक्षण विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविदालिता किसे कहते हैं। 4 नंबर का ये भी आता है, व्हाट इज सिज़ोफ्रेनिया। मनोविदालिता यानी सिज़ोफ्रेनिया को पहले डेमनेशिया प्रिकॉक्स के नाम से जाना जाता था। डेमनेशिया प्रिकॉक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्रैपलिन ने किया था, जिसका अर्थ होता है मनोविच्छिन्नता। सिज़ोफ्रेनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्लूमर ने 1911 यानी 1911 में किया था, जो ग्रीक के दो शब्दों के मूल
सिजो और फ्रेन से बना है। सिजो का अर्थ होता है विभक्त या विच्छेद यानी स्प्लिट होता है, जबकि फ्रेन का अर्थ होता है मन यानी माइंड। इस प्रकार सिजोफ्रेनिया का अर्थ मन का विच्छिन्न होना या विभक्त होना यानी स्प्लिट ऑफ माइंड होता है। यह एक गंभीर मनोविकृति है जिसके अंतर्गत तीव्र रूप से विकृत मनोदशा तथा विच्छिन्न व्यक्तित्व के रोगी आते हैं। इस तरह के रोगियों में व्यामोह एवं विभ्रम की बाहुल्यता, संवेगात्मक अस्थिरता, चिंतन की जीर्णता, सामाजिक संबंधों में दुर्बलता एवं व्यवहार की विचित्रता के लक्षणों की भरमार रहती है। इनकी लिख भाषा और लिखावट में असंगतता होती है, यह समझ में आने वाली नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिजोफ्रेनिया से ग्रसित जो भी व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहारिक जो लक्षण होते हैं उसका मूल कारण क्या रहता है, उनका जो माइंड रहता है वो स्प्लिट रहता है, मतलब विभक्त रहता है, अलग अलग भागों में बंटा रहता है, एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने का अभाव देखा जाता है, जिसका प्रभाव उनके व्यवहार में दिखता है। ठीक है।